हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सब कुछ शिक्षा पर। आज हम मैथ इस टॉपिक के बेसिक थ्योरी इस सब टॉपिक के ऊपर फोर्थ क्विज लाए हैं। हमने ऑलरेडी 3 क्विजेस कंप्लीट कर चुके हैं, ये फोर्थ क्विज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ ए स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स इन ए कर्व नोन एज। उस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं जो कोई भी दो कर्व पॉइंट्स को जोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 1 कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 कॉर्डिनल, ऑप्शन नंबर 3 कॉर्ड, ऑप्शन नंबर 4 कोर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कार्ड, 2 कॉर्डियल, 3 कॉर्ड, 4 कोर। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कॉर्ड। कॉर्ड इज ए स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स इन ए कर्व, और अ स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स इन ए कर्व नोन एज कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए सेट ऑफ नंबर्स दैट डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट कॉल्ड एज। सेट ऑफ नंबर्स दैट डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट कॉल्ड एज, यानी कि जो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं पॉइंट पोजिशन ऑफ ए पॉइंट कॉल्ड एज, पॉइंट की पोजिशन को डिस्क्राइब करने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, उस सेट के नंबर्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डिसऑर्डिनेट्स, ऑप्शन नंबर 2 कोऑर्डिनेट्स, ऑप्शन नंबर 3 प्रोऑर्डिनेट्स, ऑप्शन नंबर 4 इनऑर्डिनेट्स। तो इसका सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोऑर्डिनेट्स। अ सेट ऑफ नंबर दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट इज ए सेट ऑफ नंबर दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन अजम्पशन अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज। मैं क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, व्हाट इज एन अजम्पशन अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज। ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर 2 पैरेंथेसिस, ऑप्शन नंबर 3 लैरेंथेसिस, ऑप्शन नंबर 4 नैनोथेसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और एन अजम्पशन अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द गैम्बलिंग इज रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नीचे दिए में से सबसे ज्यादा गैम्बलिंग किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में होती है। ऑप्शन नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 अलजेब्रा, ऑप्शन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि मोस्ट ऑफ द गैम्बलिंग इज रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। गैम्बलिंग सबसे ज़्यादा किससे, कौन से ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर 1 स्टैटिस्टिक, 2 प्रोबेबिलिटी, 3 अलजेब्रा एंड 4 इज ट्रिग्नोमेट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज मोस्ट रिलेटेड टू द गैम्बलिंग। मोस्ट ऑफ द गैम्बलिंग इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर दैन द वर्टिसेस कॉल्ड एज। मोनोगोन, सेकंड पॉलीगॉन, 3 पैरागॉन, 4 हाइपोगॉन। ऐसी कौन सी फिगर है जिसके 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट अदर दैन द वर्टिसेस। तो वो कौन से फिगर है, मोनोगॉन, पॉलीगॉन, पैरागॉन, हाइपोगॉन। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इज ए फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट द अदर दैन द वर्टिसेस, एंड अ फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर द अदर दैन द वर्टिसेस कॉल्ड एज पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ लिस्ट ऑफ टर्म्स दैट आर प्लेस्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज। जो लिस्ट ऑफ टर्म्स होते हैं जो प्लेस होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सीरियल, ऑप्शन नंबर 2 सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर 3 सीरीज, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीक्वेंस। अ लिस्ट ऑफ टर्म्स दैट आर प्लेस्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस, और द सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स दैट आर प्लेस्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस इज नोन एज। ऐसी कौन सी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो डील करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन से? ऑप्शन नंबर 1 कैलिब्रेशन, ऑप्शन नंबर 2 कैलकुलस, ऑप्शन नंबर 3 इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर 4 कॉम्बिनेटरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कैलकुलस। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस इज नोन एज कैलकुलस, और द कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ पेयर ऑफ एंगल्स दैट जॉइन टुगेदर टू मेक अ राइट एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड। उन पेयर ऑफ एंगल्स को क्या कहते हैं जो जॉइन होते हैं एक दूसरे के साथ राइट एंगल तैयार करने के लिए जो 90 डिग्री का होता है? ऑप्शन नंबर 1 स्कैलिन एंगल, ऑप्शन नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्टूस एंगल, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज इक्विलैटरल एंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अ पेयर ऑफ एंगल्स दैट जॉइन टुगेदर टू मेक अ राइट एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ए पेयर ऑफ एंगल्स दैट जॉइन टुगेदर टू मेक अ राइट एंगल ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज मेजरमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पॉइंट्स लाइन्स प्लेन्स एंड सॉलिड इज नोन एज। उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं जो डील करती है प्रॉपर्टीज से मेजरमेंट्स एंड रिलेशंस ऑफ पॉइंट्स लाइन्स प्लेन्स एंड सॉलिड्स? ऑप्शन नंबर 1 ग्राफोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 जियोमेट्री, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्टोमेट्री, ऑप्शन नंबर 4 सिमेट्री। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जियोमेट्री। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज मेजरमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पॉइंट्स लाइन्स प्लेन्स एंड सॉलिड इज नोन एज जियोमेट्री, और जियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज मेजरमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पॉइंट्स लाइन्स प्लेन्स एंड सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वॉट इज द रेशियो ऑफ चांसेस इन फेवर ऑफ एन इवेंट टू द टोटल नंबर कॉल्ड। रेशियो ऑफ चांसेस किसके फेवर में होते हैं इन फेवर ऑफ एन इवेंट इस इवेंट के टू द टोटल नंबर कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ चांसेस इन फेवर ऑफ एन इवेंट टू द टोटल नंबर, यानी कि अगर रेशियो चांसेस इन फेवर ऑफ एन इवेंट के एक किसी इवेंट के चांसेस का उसके फेवर में टू द टोटल नंबर, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी, 3 परपिट्यूटी, 4 पॉपुलैरिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास पूरे हैं 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ चांसेस इन फेवर ऑफ एन इवेंट टू द टोटल नंबर, और प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ और द रेशियो ऑफ चांसेस इन फेवर ऑफ एन इवेंट टू द टोटल नंबर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर्स एक्सेट्रा इन कॉलम्स और रोज नोन एज. अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर्स एक्सेट्रा, ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स की अरेंजमेंट इन कॉलम्स और रोज नोन एज क्या रहती है. ऑप्शन नंबर 1 एक्सिस, ऑप्शन नंबर 2 अरे, ऑप्शन नंबर 3 एरो एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अलाइन. तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है. व्हाट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर्स एक्सेट्रा इन कॉलम्स और रोज नोन एज. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अरे. अरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर्स एक्सेट्रा इन कॉलम्स और रोज, और एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर्स एक्सेट्रा इन कॉलम्स और रोज नोन एज अरे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ स्मॉल स्टार पैरेंथेसिस यूज टू मेक अ स्पेस वेयर समथिंग मिसिंग इज नोन एज. अ स्मॉल स्टार मार्क यूज टू मार्क अ स्पेस वेयर समथिंग मिसिंग इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं. ऑप्शन नंबर 1 एस्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर 2 एस्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर 3 एस्टिर, ऑप्शन नंबर 4 एस्टर. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास पूरे 10 सेकेंड्स. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एस्टेरिक्स. अ स्मॉल स्टार यूज टू मार्क अ स्पेस वेयर समथिंग मिसिंग इज नोन एज एस्टेरिस्क, और एस्टेरिक्स इज ए स्मॉल स्टार यूज टू मार्क अ स्पेस वेयर समथिंग मिसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल और एन इंटरनल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड. एक स्ट्रेट लाइन जो डिवाइड करती है किसी एंगल को और इंटरनल इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में, उसे क्या कहते हैं. ऑप्शन नंबर 1 बाइनोमियल, ऑप्शन नंबर 2 बायसेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 बाइनरी, ऑप्शन नंबर 4 बायसेनेंशियल बायसेंटेनियल. मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ. अ स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल और एन इंटरनल इंटरवल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं. बाइनोमियल कहते हैं, बायसेक्टर कहते हैं, बाइनरी कहते हैं या बायसेंटेनियल कहते हैं. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास पूरे 10 सेकेंड्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बायसेक्टर. अ स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल और एन इंटरवल पार्ट इनटू द टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बायसेक्टर, और अ बायसेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल और एन इंटरवल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विथ कर्व्ड लेग्स फॉर मेजरिंग थिकनेस ऑफ कर्व्ड ऑब्जेक्ट और टर्न्ड आउटवर्ड्स फॉर मेजरिंग कैविटीज, उसे क्या कहते हैं. उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कौन सा वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है विथ कर्व्ड लेग्स फॉर मेजरिंग थिकनेस ऑफ कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स और टर्न्ड आउटवर्ड्स फॉर मेजरिंग कैविटीज. ऑप्शन नंबर 1 कंपास, ऑप्शन नंबर 2 कैलिपर, ऑप्शन नंबर 3 प्रोट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर 4 काउंटर. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास पूरे हैं 10 सेकेंड्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कैलिपर. कैलिपर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विथ कर्व्ड लेग्स फॉर मेजरिंग थिकनेस ऑफ कर्व ऑब्जेक्ट्स और टर्न आउटवर्ड्स फॉर मेजरिंग कैविटीज, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विथ कर्व्ड लेग्स फॉर मेजरिंग थिकनेस ऑफ कर्व ऑब्जेक्ट्स और टर्न आउटवर्ड्स फॉर मेजरिंग कैविटीज इज कैलिपर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेजरमेंट अराउंड अ सर्कल इज नोन एज. जो मेजरमेंट अराउंड अ सर्कल होता है उसे क्या कहते हैं. ऑप्शन नंबर 1 रेडियस, ऑप्शन नंबर 2 रेडियन, ऑप्शन नंबर 3 रडाई एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सर्कमफेरेंस. मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूं. व्हाट इज द मेजरमेंट अराउंड अ सर्कल इज नोन एज. रेडियस, रेडियन, रडाई, सर्कमफेरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास पूरे हैं 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस इज द मेजरमेंट अराउंड अ सर्कल, और द मेजरमेंट अराउंड अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर थ्री और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड.
तीन से ज़्यादा पॉइंट थ्री या तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर लाई करते हैं सेम स्ट्रेट लाइन पे, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर वन को इंटेरियर, ऑप्शन नंबर टू कोलिनियर, ऑप्शन नंबर थ्री कोऑर्डिनेट्स, ऑप्शन नंबर फोर कोप्लेनर। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू कोलिनियर। कोलिनियर आर द थ्री और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और द स्ट्रेट थ्री और द कोलिनियर आर द थ्री और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और द थ्री और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ए नंबर विथ फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ एंड वन। व्हाट इज ए नंबर विथ फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ एंड वन, उन नंबर को क्या कहते हैं जिनके फैक्टर वो होते हैं और वन होते ओनली, अदर देन वन एंड इटसेल्फ, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड। उन नंबर को क्या कहते हैं जिनके फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ और वन होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज ए नंबर विथ फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ एंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ए बॉक्स विथ 12 एजेस, 6 फेसेस एंड 8 कॉर्नर्स विथ अपोजिट साइज ऑफ द सेम शेप एंड साइज कॉल्ड। व्हाट इज ए बॉक्स विथ 12 एजेस, उस बॉक्स को क्या कहते हैं जिसके पास 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं, विथ अपोजिट साइड ऑफ सेम शेप एंड साइज, और जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो सेम शेप और साइज के होते हैं। ऑप्शन नंबर वन स्पीरॉयड, ऑप्शन नंबर टू क्यूबॉयड, ऑप्शन नंबर थ्री रोमबॉयड, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑक्टॉयड। ऑप्शन नंबर वन स्पीरॉयड, ऑप्शन नंबर टू क्यूबॉयड, ऑप्शन नंबर थ्री रोमबॉयड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑक्टॉयड। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू क्यूबॉयड। क्यूबॉयड इज ए बॉक्स विथ 12 एजेस, 6 फेसेस एंड 8 कॉर्नर्स विथ अपोजिट एजेस, अपोजिट साइड्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज, और अ बॉक्स विथ 12 एजेस, 6 फेसेस एंड 8 कॉर्नर्स विथ अपोजिट साइड्स ऑफ सेम शेप एंड साइज कॉल्ड क्यूबॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच अमॉन्ग दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री इन एंगल्स। नीचे देखे में से किसे ये इक्विवेलेंट होती है डिग्री इन एंगल्स में, 1 डिग्री इन एंगल्स में। ऑप्शन नंबर वन 60 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर टू 60 मिनट्स, ऑप्शन नंबर थ्री 60 आवर्स। विच अमॉन्ग दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री इन एंगल्स, 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स, 60 आवर्स और नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू 60 मिनट्स। Which among these is equivalent to 1 degree in angles? That is 60 minutes. Next. Question number 20. What is the mathematical name of diamond shape? A two-dimensional with 4 equal sides and oblique angles. Mathematical name kya hota hai jo diamond shape hota hai? Use kaun sa mathematical name diya gaya hai? Us shape ko, diamond ki shape ko. Jiske paas 2-dimensional with 4 equal sides and oblique angles. उसके ऑप्शन है रोमबॉइड, ऑप्शन नंबर टू रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर थ्री इज रोमबस एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज रोम्बोहेड्रॉन। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, नहीं ऑप्शन नंबर थ्री रोमबस। Rhombus is the mathematical name of diamond shape, a two-dimensional with 4 equal sides and oblique angles. Or the mathematical name of diamond shape, a two-dimensional with 4 equal sides and oblique angles is rhombus. तो इसी के साथ हमारी फोर्थ क्विज कंप्लीट हुई। 20 questions हमने कंप्लीट किए हैं मैथमेटिक के बेसिक थेरीज टॉपिक के ऊपर, फोर्थ क्विज हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरह से मोटिवेटेड रहिए, स्टडी में कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू देती है, आपको इससे मदद होती है, आपको कोई नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल सबको शिक्षा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।